हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम कुछ इस टाइप की एडिशन कलर इफेक्ट फोटो एडिटिंग है जो लाइटरूम ऐप की मदद से करने वाले हैं। गाइज, ये एडिटिंग मैं आपको सिंपल तरीके से सिखाने वाला हूँ, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। गाइज, आपको सबसे पहले लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेना है और यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके अपनी फोटो को एडिट कर लेना है। गाइज, हम इस फोटो को एडिट करने वाले हैं, सिंपली इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं एंड इसको ऐड कर लेते हैं। फिर हमें सिंपली यहाँ पे ऑल फोटो पे आ जाना है। इसके बाद हमें अपनी फोटो को ओपन कर लेना है। सो गाइज, सबसे पहले हमें लाइटिंग को एडजस्ट कर लेना है, तो सिंपली हमें लाइट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। एंड गाइज, इसके अंदर है एक्सपोजर है तो इसको हमें हल्का सा इंक्रीज करना है, ठीक है। तो सिंपली इसको हमें यहाँ पे इतना कर लेते हैं। एंड गाइज, कंट्रास्ट है इसको हमें डाउन करना है, सिंपली इसको हमें यहाँ पे इतना डाउन कर लेते हैं। एंड गाइज, इसके बाद में हाईलाइट है, हाईलाइट को हमें हल्का सा यहाँ पे इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। तो सिंपली इसको हम इतना कर लेते हैं। एंड शैडो जगह इसको भी हल्का सा हमें इंक्रीज करना है, सिंपली इसको भी हमें इतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड गाइज, व्हाइट है, व्हाइट को हमें डाउन करना है। एंड गाइज, ब्लैक्स है, ब्लैक को हमें हल्का सा इसको भी हमें इंक्रीज करना है, सिंपली इसको हम इतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड गाइज, फिर इसके बाद हमें कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है एंड हमें मिक्स वाले टूल पे आ जाना है। फिर हमें गाइज यहाँ पे सेकंड वाला कलर ऑरेंज कलर पे हमें आ जाना है। एंड गाइज, सेचुरेशन को हमें सिंपली यहाँ पे इतना डाउन कर लेना है। एंड ल्यूमिनेंस गाइज इसको हमें हल्का सा इंक्रीज करना है, सिंपली इसको हम यहाँ पे इतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड गाइज, फिर हमें नेक्स्ट वाला कलर यहाँ पे येलो कलर पे हमें आ जाना है। एंड गाइज, ह्यू है इसको हमें इंक्रीज करना है, सिंपली यहाँ पे इतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड गाइज, सेचुरेशन है इसको भी हमें इंक्रीज करना है, ठीक है। सेचुरेशन को हमें सिंपली इतना कर लेना है। एंड गाइज, फिर नेक्स्ट वाला कलर हमें यहाँ पे ग्रीन कलर पे आ जाना है। एंड गाइज, ह्यू है इसको हमें इंक्रीज करना है, सिंपली यहाँ पे इतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड सेचुरेशन गाइज इसको भी हमें हल्का सा इंक्रीज करना है, ठीक है, इसको हम सिंपली यहां पे इतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड गाइज, ल्यूमिनेंस है, ल्यूमिनेंस को हल्का सा हमें डाउन करना है, तो सिंपली इसको हम इतना डाउन कर लेते हैं। एंड फिर गाइज, नेक्स्ट वाला कलर हमें यहां पे एशियन पे आ जाना है, तो हमें पे एशियन कलर पे क्लिक कर लेते हैं। एंड ह्यू को हमें इंक्रीज करना है। एंड गाइज, सैचुरेशन है इसको भी हमें इंक्रीज करना है, ठीक है। एंड ल्यूमिनेंस गाइज इसको हमें डाउन करना है, सिंपली इसको हम इतना डाउन कर लेते हैं। एंड गाइज, इसके बाद हम सिंपली ब्लू कलर पे आ जाना है। एंड इसकी ह्यू गाइज इसको हमें यहां पे डाउन कर लेना है, ठीक है, सिंपली इतना कर लेते हैं। एंड सैचुरेशन गाइज इसको भी हमें डाउन कर लेना है, ठीक है। एंड यहां पे सिंपली हमें डन कर लेना है, फिर हमें यहाँ पे बैक आ जाना है। एंड गाइज, आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। गाइज, हमारी एडिटिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। पहले हमें इसको सेव करना है, फिर वापस ऐड करना है, फिर हमें कलर ग्रेडिंग करनी है। सिंपली हमें इस शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। फिर हमें आना है, यहाँ पे स्क्रॉल करना है, एक्सपोर्ट एज़ पे क्लिक करना है एंड जेपीजी हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड गाइज, इसके बाद ये वाटरमार्क इसको हमें रिमूव करना है एंड यहाँ पे डन कर लेना है। हमारी फोटो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर सेव हो चुकी है, ठीक है। अब हमें इसको डिलीट करना है, तो यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे डिलीट कर देना है, ठीक है। फिर हमें वापस इसको ऐड करना है, इसके लिए हमें बैक आ जाना है एंड वापस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड वापस हमें अपनी फोटो को ऐड करना है, ठीक है। तो सिंपली हमारी फोटो यहाँ पे आ चुकी है, तो सिंपली हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो आपको यहाँ से ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारी फोटो है, तो इसको हम वापस ऐड कर लेते हैं। फिर हमें सिंपली वापस अपनी फोटो को ओपन कर लेना है, ठीक है। गाइज, इसके बाद हमें यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे आ जाना है एंड यहाँ पे मिक्स वाले टूल पे हमें आ जाना है। एंड गाइज, फिर हमें यहाँ पे येलो कलर पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। एंड गाइज, यहाँ पे हुआ है इसको हमें इंक्रीज करना है, सिंपली यहाँ पे इतना इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। एंड गाइज, सिचुएशन है इसको भी हमें हल्का सा इंक्रीज करना है। एंड गाइज, फिर हमें नेक्स्ट वाले कलर यहाँ पे ग्रीन कलर पे आ जाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। एंड गाइज, हुआ है इसको हमें इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे सिंपली इसको हम इतना इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे इतना इंक्रीज कर लेना है। एंड गाइज, इसके बाद में नेक्स्ट वाले यहाँ पे एशियन कलर पे आ जाना है, ठीक है। एंड गाइज, ह्यू है इसको हम इंक्रीज करना है, सिंपली इसको हम इतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड गाइज, सैचुरेशन है इसको भी हमें हल्का सा इंक्रीज करना है, ठीक है, इसको भी हम इतना कर लेते हैं। एंड गाइज, ल्यूमिनेंस है इसको हमें डाउन करना है। एंड गाइज, अब हमें नेक्स्ट वाले कलर यहाँ पे ब्लू कलर पे क्लिक कर लेना है। एंड गाइज, ह्यू है इसको हमें इंक्रीज करना है, सिंपली इसको हम इतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड सैचुरेशन है इसको भी हमें इंक्रीज करना है, ठीक है। एंड गाइज, ल्यूमिनेंस है इसको भी हल्का सा हमें इंक्रीज कर लेना है। गाइज, इसके बाद में सिंपली यहाँ पे डन कर लेना है। एंड गाइज, फिर हमें यहाँ पे प्रोफाइल ऑप्शन पे आ जाना है, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे स्क्रॉल करना है एंड आर्टिकल गाइज 4 है, यहाँ पे आर्टिकल 4 पे हमें क्लिक कर लेना है, ठीक है। एंड गाइज, इसको हमें इंक्रीज करना है, सिंपली यहाँ पे इसको हमें फुल कर लेना है। एंड गाइज, इसके बाद में सिंपली यहाँ पे डन कर लेना है। एंड गाइज, फिर हमें यहाँ पे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे सिलेक्ट टू टूल है गाइज, इसके ऊपर हमें सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट टू टूल पे हमें क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे सर्किल पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। एंड गाइज, यहाँ पे हमें सर्किल बना लेना है, तो अपने फेस के ऊपर हम यहाँ पे सर्किल बना लेते हैं, ठीक है। फिर हमें सिंपली यहाँ पे लाइट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। एंड गाइज, इसके अंदर है एक्सपोजर है, इसको हमें हल्का सा यहाँ पे इतना कर लेना है, ठीक है। एंड गाइज, इसके बाद कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट को हमें डाउन करना है, सिंपली इसको हम इतना डाउन कर लेते हैं। एंड गाइज, हाईलाइट है, हाईलाइट को हल्का सा हमें इंक्रीज करना है। एंड गाइज, इसके बाद में शैडोज है, शैडोज को हमें यहाँ पे डाउन कर लेना है, ठीक है। तो हल्का सा इसको भी हम डाउन कर लेते हैं। एंड गाइज, व्हाइट है, व्हाइट को हमें हल्का सा इंक्रीज करना है, ठीक है। एंड गाइज, ब्लैक्स है, ब्लैक्स को भी हल्का सा हमें यहाँ पे इंक्रीज कर लेना है। एंड गाइज, इसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे डन कर लेना है। एंड गाइज, आप देखते हो हमारी फोटो एडिटिंग काफ़ी अच्छी हो चुकी है बिफोर एंड आफ्टर। एंड गाइज, अब हम सिंपली इसको सेव कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद में स्क्रॉल करना है एंड एक्सपोर्ट एज़ पे हमें क्लिक कर लेना है। एंड गाइज, यहाँ पे हमें जेपीजी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है।
फिर इसके बाद रिमूव करना वाटरमार्क को एंड यहाँ पे डन कर लेना है। तुम्हारी फोटो गाइज अच्छी क्वालिटी के अंदर सेव हो जाएगी। सो आई होप गाइज आपको एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। फिर वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।